तो सर काफ़ी दिनों से आप लोग ये कमेंट कर रहे थे कि टीवी का जो स्क्रीन है उसको कैसे अच्छी तरीके से क्लीन किया जाए, एक वीडियो बना दिया जाए। तो जैसे कि आप लोग को पता है मेरा चैनल जो है चलता है वेस्टर्न आपका कमेंट्स, सो आज इस वीडियो में हम लोग टीवी का जो स्क्रीन है उसको करेंगे क्लीन। तो उसका पहले जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हो, ये जो है अभी एक आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में टीवी को रखा गया है। सो आपको जो स्पॉट है, फिंगर का जो स्पॉट है, विजिबल नहीं हो रहा होगा और टीवी भी ऑन है। सो टीवी ऑन रहने का टाइम में जैसे कि सबको पता है वो पता नहीं चलता है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर में डाल रहा हूँ, देख लीजिए इतना सारा स्पॉट्स जो है आपको विजिबल हो रहा है अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में। सो उसको हम लोग करेंगे क्लीन। सो बेसिक, सो उसके लिए सिंपल मैंने जो है ऑर्डर किया है स्क्रीन क्लीनर लिक्विड और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। सो ये जो है स्टार्ट होता है 150 रुपीज़ से लेकर स्टार्टिंग होता है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, उसके लिए बदर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रियली आपको लग रहा है कि आपका स्क्रीन को क्लीन करने का ज़रूरत है, ज़्यादातर फिंगर का जो स्पॉट है या और भी कुछ डाटी स्क्रीन आपको लग रहा है स्क्रीन के ऊपर में, तो फिर आप कर सकते हो। सो क्लीन करने से पहले सबसे पहले आप जो है टीवी को जो है ऑफ कर लीजिए, रिमोट का थ्रू से नहीं, पावर सप्लाई आप ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आप स्क्रीन के ऊपर में ये क्लीनर लिक्विड जो है अप्लाई करने जा रहा है। सो बेटर है टीवी को जो है स्विच ऑफ कर लीजिए। सो हम लोग जो है अभी टीवी को स्विच ऑफ कर रहे हैं। सो यही है वो स्क्रीन लिक्विड क्लीनर और ये हमारा पास माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है। सो इसको आप टीवी स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हो, लैपटॉप पर अप्लाई कर सकते हो, मोबाइल स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हो क्लीनिंग करने के लिए। सो अगर आप 150 रुपीज़ स्पेंड करते हो तो मल्टीपल यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंस से स्क्रीन को क्लीन कर सकते हो। जो है मैं स्क्रीन को कर दिया है ऑफ, आप देख सकते हो कितना सारा जो है फिंगर स्पॉट्स यानी उंगली का जो निशान है आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे के सारे हम लोग को क्लीन करना है। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे होगे, सो अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा और भी क्लोज में आपको बता रहा हूँ, अभी कोई उंगली का निशान जो है, जो फिंगर स्पॉट्स आपको पहले नज़र आ रहा था, अभी बिल्कुल नहीं है। हमारा स्क्रीन जो है क्लियरली साफ हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आप लिक्विड को अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा लिक्विड यानी लिक्विड का जो क्वांटिटी है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जस्ट आपको पता है आपका स्क्रीन कितना बड़ा है, उसी हिसाब से आप लिक्विड अप्लाई कर सकते हो। मूव कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में तो ज़्यादा प्रेशर मत डालना स्क्रीन के ऊपर में, जस्ट आप लाइटली जो है उसको जो है वाइप करते रहना। सो यही था आज का वीडियो। मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे थे टेक एल डिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। और रियली अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, क्योंकि आप ही लोग कमेंट कर रहे थे, तो वीडियो एक एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।